जो बड़ी मुश्किल से पड़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पड़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ, आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा? है ना, जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। रात जो बड़ी मुश्किल से पड़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पड़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ, आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा? है ना, जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया।